का फुल फोकस है। अब बात कर लेते हैं, सीधे आपको जयपुर एयरपोर्ट लेकर चलते हैं। वो लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का भव्य स्वागत की तैयारियां जयपुर एयरपोर्ट पर होने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और यमुना जल समझौते पर यह भव्य स्वागत होगा। दरअसल सीकर, चुरू, झुंझुनू के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के भव्य स्वागत को लेकर दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विशेष विमान से ये दौरा कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, क्योंकि यमुना जल पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, जो कि दक्षिण हरियाणा से राजस्थान को ये पानी दिया जाएगा यमुना सा, और इस पानी को राजस्थान स्टोर करेगा पीने के पानी के लिए। हालांकि पानी और सिंचाई के लिए राजस्थान की जनता, हमने देखा है कि किस तरह उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब इस यमुना जल समझौते के बाद नहीं कोई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हथनीकुंड बैराज से 3 जिलों को ये पानी मिलेगा, जिसमें सीकर है, चुरू और झुंझुनू को ये पानी मिलेगा। बता दें कि हरियाणा राजस्थान सरकार के बीच ये अहम फैसला हुआ है, और ये अहम फैसले को लेकर जल शक्ति मंत्री की मध्यस्थता के बाद ये फैसला हुआ है, और MOU साइन होने के बाद। और ये भी आपको बता दें कि मनोला खट्टर, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जब उन्होंने मध्यस्थता की, उसके बाद ही हरियाणा और राजस्थान के सरकार के बीच में MOU साइन हुआ, और उसके बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू के कार्यकर्ता, उनमें खुशी की लहर है। वो मौजूदा मुख्यमंत्री यानी कि भजन लाल शर्मा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मांग थी, क्योंकि सिंचाई के पानी के लिए भी टैंकर मंगवाना पड़ता था। एक खेत में फसल के लिए भी जितना किसान के पास पैसा नहीं होता था, उससे ज़्यादा उन्हें पैसा लगाना पड़ता था सिंचाई के लिए। पानी पीने के लिए उन्हें दूर दूर सफ़र करना पड़ता था। और अब सीधे जयपुर से रोशन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रोशन, कितनी देर में मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता का जोश बिल्कुल हाई है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। राधेश्याम जी, राधे, रोशन लग रहा है व्यस्त हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही। एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, तमाम लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम, रोशन, कब तक मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का जोश बिल्कुल हाई है स्वागत के लिए मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं एयरपोर्ट के ऊपर, और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, हाथों में फूल मालाएं हैं। क्या खुशी है आपके चेहरे के ऊपर? देखिए, जिस प्रकार से सीकर, झुंझुनू, चुरू यमुना के जल के लेकर तरस रहा था, और आज भजन लाल जी ने एक बहुत बड़ी सौगात हम पूरे संभाग को दी है, तो इसको लेकर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और हम सभी उनका स्वागत करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं कार्यकर्ता, और बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। बड़ी बड़ी फूलमालाएं लेकर पहुंचे हैं, हाथों में गुलदस्ते हैं, खुशी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर आए हैं, साधु मंत बाबा यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। बाबा, कैसी खुशी है? बहुत बढ़िया, हमको खुशी हुआ। हम जुने अखाड़े से है, भजन लाल जी बहुत बड़ा काम किया है, 2-3 काम अच्छे किए राजस्थान में। भजन लाल के दुआ के लिए करते रहेंगे, और मेरे गुरु महामंडलेश्वर आशीर्वाद देंगे, उनके काया अच्छा रहे। और भी तो आप देखिए, यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों के हाथों में यहाँ पर तख्तियाँ देख सकते हैं, राजस्थान के भागीरथी भजन लाल शर्मा, लोगों के हाथों में इस तरीके की तख्तियाँ आप देख सकते हैं, भारी उत्साह यहाँ पर देख सकते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? मंडावा से पहुंचे हैं। किस तरीके की खुशी है? बहुत अच्छी खुशी है। हमारे जो सांसद हैं नरेंद्र जी खिचड़, उनके प्रयासों से, और ये बीजेपी की जो सरकार है इसकी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फ्लोराइड पानी मिलेगा। देखिए, यमुना जल समझौता कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर खुशी है, क्या कहेंगे आप राजस्थान के? बहुत खुशी है साहब, यमुना जल का जो समझौता हमारे ये माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, गजेंद्र सिंह जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब ने किया है, एक ऐतिहासिक समझा रहा है। इससे हमारे 3 जिलों में बहुत पानी की सुविधा होगी और लोगों का विकास होगा। तो आप देख सकते हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। क्या कुछ कहेंगी आप? यही कहेंगे कि राजस्थान को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, उस पानी को हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी लेके आए, इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों में उत्साह। क्या कुछ कहेंगे वृद्धि चंद जी? आप साहब देखिए, ऐतिहासिक फैसला भजन लाल जी का और गजेंद्र सिंह शेखावत का,
मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को जो जल का बहुत लंबे समय से विवाद था, डबल इंजन सरकार ने फैसला करके राजस्थान की जनता को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इसका बहुत बड़ा लाभ जो है कि राजस्थान को। आपके दौसा भरतपुर ये जो जिला है इसको भी ईआरसीपी का पानी जो है। बिल्कुल रोशन, हम आपसे फिर से संपर्क साधेंगे जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे।